राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप झेल रहे गंगोत्री ग्लेशियर का आकार एक साल में 18% बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे इस साल सर्दियों में गंगा में पर्याप्त पानी रहेगा। इससे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। वही इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में गंगोत्री ग्लेशियर में बर्फ का आवरण 83% था, जो जून में 69% रह गया था। पर उच्च हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई, जिससे मार्च 2024 तक ग्लेशियर पर बर्फ का आवरण 86.14% पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर की सेहत सुधरेगी। ग्लोबल वार्मिंग से गंगोत्री ग्लेशियर पर पड़ रहे असर का अध्ययन करने के लिए भोज सेवा और चीरबासा में अध्ययन केंद्र बने हैं, जहां मौसम, जल और भूकंप विज्ञान की वेधशाला स्थापित की गई है। इससे पहले ग्लेशियर में हिमपात, वर्षा और तापमान का अध्ययन किया जा रहा है। उपग्रह चित्रों का प्रयोग भी हो रहा है।